हेलो फ्रेंड्स, मैं कलश शाह आप सभी का स्वागत करते हैं के पी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेंटर में। जैसे कि आपने थंबनेल से पाया होगा कि ये चौथी वीडियो है मैथमेटिक्स की क्लास 11 के समूह चैप्टर की, और उसमें नीचे आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा हुआ है महारथ प्रारंभ। यदि प्रथम बार आप इस बार आए हैं तो इसकी प्रथम वीडियो को जरूर कर देखें आप। मैंने यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए भौतिक, रसायन और गणित और सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण टॉपिक को एक क्रियावत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से डालने की पूरी हमारी कोशिश है, जो कि हमारा लक्ष्य है। 3 महीने के अंदर आपको इस चैनल से पर सब कुछ अपलोड हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं विद कंटेंट्स, जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कंटेंट नहीं मिल पाता, कंटेंट्स और विद सॉल्यूशंस, अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस, डीप तरीके से नॉलेज, जिससे कि आप आईआईटी, एनआईआईटी और नीट्स के कंपटीशन में आसान तरीके से बैठ सकें, उसे क्वालिफाइड कर सकें, और इंजीनियरिंग के लिए भी आपको यहाँ से बहुत से टिप्स मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चौथा टॉपिक से हमारा। चौथा टॉपिक है समुच्च। हमने इससे पहले पढ़ा था कि समुच्च की परिभाषा, उसका निरूपण, मतलब कि उसके समुच्च के निरूपण, और उसके बाद उनके अवयवों को काउंट करना, कि अवयवों की गिनती या संख्या। आज हम पढ़ेंगे कि जो अवयव हैं उनका निरूपण किन किन विधियों से करते हैं, उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली 2 विधियाँ होती हैं, जैसे एक हम नाम लेते हैं गुण विधि और रोस्टर विधि, उनके नाम भी बहुत सारे होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, मूल रूप से हम कह सकते हैं कि मूल रूप से 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि है रोस्टर, या तो उसे हम रोस्टर विधि कहेंगे या कहेंगे सारणीवृद्ध या सूचीवृद्ध, इनमें से कोई भी नाम आ गया तो आप समझ जाना कि रोस्टर फॉर्म ही है। उसके बाद द्वितीय नंबर की गुण विधि अथवा समुच्च निर्माण विधि, या तो आए आपका गुण विधि लिख के या आपका है समुच्च निर्माण विधि, तो आपको समझ जाना कि ये गुण विधि है। अब हम पहले टॉपिक को देखते हैं रोस्टर, क्योंकि इन्हें हमें देखना है बहुत डीपली तरीके से, क्योंकि इसके बाद एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस की वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका, ये होगा कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल एंड उसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे कि हिंदी में लिखते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं, हम पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं, किसकी, रोस्टर प्रथम विधि की। इस विधि में समुच्च के सभी अवयव मंझले कोष्टक, मंझले कोष्टक का मतलब है आपको पता है कि 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो ये मंझले कोष्टक जिसके अंदर श्रेणी या सूची बनाकर, श्रेणी या सूची बनाकर सीरीज या लिखते हैं अवयवों को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो कैसे कह रहा है, रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि जो अवयव है समुच्च के अवयव है उन्हें मंझले कोष्टक के अंदर विद कॉमा के साथ जो लिखते हैं या सूचीबद्ध तरीके से लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि कहते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। आपसे कहा जाए कि समुच्च ए के अंदर 1 से लेके 5 तक की प्रगति संख्याओं को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आपको कैसे लिखना है, ए लिखेंगे, समुच्च ए बताया था उसने, और मैंने बताया आपको मंझला कोष्टक ये है, मंझला कोष्टक लाइए, उसके अंदर अवयव जो अवयव है 1 2 3 4 5 तक अवयव है उन्हें किस में लिखना है, कॉमा में लिखना है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि, सारणीवृद्ध या सूचीवृद्ध विधि, इस विधि को कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी समुच्च को मंझले कोष्टक के अंदर उनके अवयवों को कॉमा के साथ लिखते हैं तो उसे हम रोस्टर विधि के नाम से जानते हैं। और इन्हें एग्जांपल के साथ हम जब टॉपिक स्टार्ट करें तो एक बार और आपको बताएंगे। आप देखते हैं दूसरे नंबर का गुण विधि, ये हमारा दूसरा जो विधि है जिसे नाम देते हैं गुण विधि के नाम से भी जानते हैं हम, और समुच्च विधि के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम होता है इसका, इसे हम प्रतीकात्मक विधि भी कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग मेथड। आइए देखते हैं होता क्या है। बेसिकली 2 मेथड को देने का रीजन क्या था समुच्च का, इसका रहने का रीजन ये था कि जो छोटी संख्याएं हैं, जैसे कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखनी है, 1 से लेकर 1000 तक की संख्या लिखनी है, तो हम पहली वाली विधि में कितनी लिख पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, 1 2 3 नंबर कितने पेज भरेंगे, तो इतनी बहुत सारे पेज भर जाएंगे। इसलिए उस बड़े मेथड को या कह सकते हैं बड़े आंकड़ों को छोटे में लिखने के लिए हमने गुण विधि का प्रयोग किया है।
कि शब्दों के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग करके इतने बड़े नंबर को हम लिख सकते हैं, इसलिए गुण विधि का प्रयोग किया गया। आपको अच्छी तरह पता हो गया होगा ये। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। इस विधि द्वारा समुच्चय को उनके अवयवों के विशेष गुण प्रकट करते हैं। यदि समुच्चय ए के अवयवों का विशिष्ट गुण है P है, विशिष्ट गुण क्या है P है, तो उसे इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। जैसे कि समुच्चय ए इक्वल टू मजला कोष्ठक एक्स बिलोंग, इसका मतलब होता है कॉलन। अभी हम देखेंगे इसका मीन्स क्या है। पी एक्स ऐसा देखेंगे, इसका मतलब है, इसका अर्थ यह है कि ए उन सब अवयवों एक्स का समुच्चय है जो गुण किसके पी की पूर्ति है करते हैं। जो एक्स है ऐसे गुणों को लेके रखा है जो पी के अंदर समाहित है। इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है और एक सेट बना दिया ए। आइए स्टार्ट एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यदि समुच्चय ए कोई सेट ए है, अभी आप कितने देखे 10 से छोटी प्रकृति संख्याओं के वर्ग, 10 से छोटी प्रकृति संख्याओं के वर्ग, 10 से छोटी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, 9 का स्क्वायर। अब 9 के स्क्वायर कितने लिखोगे तुम, कितने नंबर्स, कितने सारे नंबर। अभी ऐसा भी कह दिया जाए कि भारत की, यहाँ पे कह दीजिए भारत की नदियों की संख्याओं के संख्याओं का समुच्चय है, उसे रोस्टर विधि और उसे समुच्चय विधि से लिखो, तो इतनी सारी नदियों के नाम कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमने क्या गुण विधि का यूज किया या समुच्चय विधि का। तो ये देखते हैं, तो इसके लिए क्या किया एक्स एक गुण लिया जो कि एक्स के अंदर 10 से छोटी, जो 10 से छोटी प्रगति संख्याओं का वर्ग है उस किसमें है एक्स में है, और इसके पूरे के बराबर क्या दिखा दिया एक समुच्चय के इन जो 10 प्रगति संख्याओं का वर्ग है उनका समुच्चय क्या है ए है, लेकिन जो 10 का नाम आएगा वो किसके अंदर प्रॉपर्टी है एक्स के अंदर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं किसी भी बड़े नंबर को। तो बड़े नंबर के लिए हमें आसान मेथड दिया है समुच्चय ने ये सेट में ए वाला। देखिए हम ए शब्दों की बात करते हैं, ये साइन क्या है, इस साइन को हम कॉलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहें तो सच दैट कहते हैं, या हम कह सकते हैं हिंदी में और अर्थ निकालें तो ऐसा है कि भी कहते हैं इसे कॉलन को। ये कॉलन की जगह हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, एक लाइन का भी उपयोग कर सकते हैं, कॉलन ना लगा के इसे लगाएं तब भी हमें पता चल जाएगा कि इसका है, मतलब इसका जैसा है, इसके जैसे गुण इसके अंदर विद्यमान है, तो हम इसे एक लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा गुण विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपको अच्छी तरह पता हो गया। रोस्टर विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं वो भी पता चल गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि गणित समुच्चय के अंदर निरूपण दो विधियों से होता है, दोनों विधियाँ मैंने अच्छी तरह आपको बता दी है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम सभी के सभी एग्जाम्पलों की एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर हम यहाँ पर क्लोज करना चाहते हैं, और आपसे कह रहे हैं कि यदि आप प्रथम बार इस चैनल पर विजिट किया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और आपके रिलेटिव जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपकी जितनी सहपाठी है सभी को इसके बारे में बताएं कि महारत प्रारंभ है यूपी बोर्ड का कक्षा 9वीं से 12वीं तक के भौतिक और रसायन और मैथ और सामाजिक विज्ञान के विद कंटेंट के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल केपीनिस्टॉप एजुकेशन सेंटर पर जा सकते हैं, वहाँ से सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं एजुकेशन डेस्क केपी से, वहाँ से भी सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे एक सोशल मीडिया और फेसबुक पर भी जाकर आप सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक सबकी मिल जाएगी, वहाँ से सारा का सारा आप इसका कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।